Hello everyone, you are most welcome again on my channel and today we are going to cover Amitav Ghosh. अमिताभ घोष के जो जितने भी वर्क्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है क्रोमोसोम. ओके, और ये जो है आप लोगों को दिख रहा है ये सी ऑफ पोपीज है. इसका नाम है सी ऑफ पोपीज और ये एक एंटीक आइलैंड है जिसके बीच से उसे जाना है. कहाँ? इस आइलैंड के इस साइड को आपको दिखेगा कलकत्ता और यहाँ है कंबोडिया. ओके, अभी जी ये क्रोमोसोम जो लड़का है ये बहुत हंग्री है, भूखा है और ये देख रहा है कि यहाँ एक सर्कल बना हुआ है. किसके बीच में? सी के बीच में एक सर्कल बना हुआ है. देयर इज अ सर्कल इन बिटवीन और उसके बीच में एक कप रखा हुआ है. उस कप में आप देख सकते हो कि आग आ रही है बाहर की तरफ. ठीक है, फ्लड ऑफ फायर निकल रही है उससे बहुत ज़्यादा. अब उस क्रोमोसोम जो हंगरी है जो लड़का, उसे यहाँ जाना है कंबोडिया और उसे वहाँ डांस सीखने जाना है. ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक इंडियन इमाम है जो उसे रोक रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ऐसी सर्कमस्टांसेस में जबकि आप भूखे हो तो आपको नहीं जाना चाहिए. और उसी जो ये गिर रहा है यहाँ से, आप ऊपर से देख रहे हो, रिवर ऑफ स्मोक है. तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी स्टोरी. हाँ, यहाँ पर एक आइलैंड आपको दिख रहा होगा जिसपे की गन निकलती हैं. ये एक अजीब सा आइलैंड है जहाँ पे कि पूरे लोग गन लेने जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि गन के पेड़ होते हैं. सो दिस वे, सो यू विल रिमेंबर दिस वन. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गो थ्रू एंड चेक आउट द वर्क्स कि कितने वर्क्स हमें इससे याद हो जाते हैं अगर आपको पूरी स्टोरी रहती है याद. तो अब यहाँ से शुरू करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट द सर्कल ऑफ रीजन, वो जो समुद्र के बीच में आपको सर्कल दिखाई दे रहा था और शेडो लाइंस. अच्छा, मैंने बताना भूल गया कि उसमें जो कप थे उसके नीचे शेडो लाइंस भी मैंने बनाई थी. कलकत्ता जा रहा था वो लड़का और उसका नाम था क्रोमोसोम. और ग्लास ऑफ पैलेस, उसके बीच में जो ग्लास रखा हुआ था उससे आपको याद आएगा कि कोई ग्लास ऑफ ग्लास पैलेस भी एक वर्क था. हंगरी, जो क्रोमोसोम जो लड़का था वो हंगरी था और सी ऑफ पोपीज के थ्रू जाना था उसे. जो उसमें आपको रिवर ऑफ स्मोक भी सी ऑफ पोपीज में गिर रही थी, आप लोगों ने उसे देखा होगा वहाँ पे. एक एंटीक लाइन लैंड के थ्रू उसे जाना था और उसे वहाँ क्यों जाना था? उसे वहाँ डांस करने जाना था. ठीक है, और जो इमाम था उसे रोक रहा था, इंडियन इमाम, और वो कह रहे थे कि सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए. तो इस तरह से आप देख सकते हैं. दो और मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी उसमें, फ्लड ऑफ फायर, उसमें आपने देखा था ग्लास और गन आइलैंड. और जो गन आइलैंड था कि आइलैंड से वहाँ पे बहुत सारी गन्स निकलती थी. तो इन दिस वे यू विल रिमेंबर, इफ़ यू रिमेंबर द होल स्टोरी यू विल रिमेंबर मोस्ट ऑफ द वर्क्स बाय अमिताभ घोष और रिलेट भी आप उसे कर पाएंगे. तो आप इस तरह से पिक्चराइजेशन मेथड से कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी. थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर एग्जाम्स.